बियर टेक्निक्स में आपका स्वागत है और इस वीडियो में मैंने कोलैबोरेशन किया है JBL कमर्शियल के साथ में। JBL कमर्शियल ने अपना नया ऑन कैमरा शॉटगन माइक्रोफोन लॉन्च किया है और इसका मॉडल है CSSG20। सबसे पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और इस वीडियो में आपको मैं पूरी डिटेल्ड रिव्यू देने वाला हूं इस माइक्रोफोन की। बॉक्स में दो पेपर वर्क हैं। पहला पेपर वर्क ये है 5% का डिस्काउंट कूपन कोड। अगर आप JBL कमर्शियल का कोई भी माइक्रोफोन लेते हैं तो नेक्स्ट परचेज पे आपको 5% का ऑफ मिल जाएगा। दूसरा पेपर वर्क है यहाँ पे कंप्लीट यूजर गाइड। बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको एक कैरी पाउच मिल जाएगा जिसपे मेंशन है JBL कमर्शियल। इस कैरी पाउच में आप अपने माइक्रोफोन को इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं और अंदर इसमें एक नेट फैब्रिक भी दे रखा है जो कि एक डबल प्रोटेक्शन दे देता है आपके माइक्रोफोन को। तो बस जब आप इसको ट्रैवल करते हुए यूज करना चाहते हैं तो इस पाउच में डाल के कैरी कर सकते हैं। माइक्रोफोन को जैसे ही मैंने बॉक्स से निकाला तो काफ़ी लाइट वेट लग रहा है। ओवरऑल लुक मैं आपको अभी बस थोड़ी ही देर में देने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिलिका जेल है जो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, इसको फेंक देना जब आप अनबॉक्स कर लोगे अपना प्रोडक्ट। यहाँ पे एक अडाप्टर दे रखा है 3.5 mm का। इस अडाप्टर को आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ में यूज़ कर सकते हैं ताकि इस शॉटगन माइक्रोफोन को अगर आपको फ़ोन के साथ में यूज़ करना है तो वो भी पॉसिबल हो जाए। आगे मैं पूरी डिटेल दूंगा। AA की एक बैटरी यहाँ पे मिलती है, यानी कि ये जो माइक्रोफोन है AA बैटरी पे ऑपरेट होता है। ओवरऑल लुक की बात करूँ तो ऊपर JBL कमर्शियल की ब्रांडिंग, नीचे मॉडल नंबर CSSG20 लिखा है। दूसरी तरफ में आपको ऊपर JBL कमर्शियल की ब्रांडिंग मिल जाती है और ऑपरेशनल वायर जो इसमें है वो प्री अटैच्ड है। माइक्रोफोन के बैक साइड में आपको तीन ऑपरेशनल बटन्स मिल जाएंगे। पहला बटन ऑन ऑफ के लिए है, दूसरा बटन हाई पास फिल्टर का है जिससे नॉइज बिलो 200 Hz को आप कट डाउन कर सकते हैं। तो बिल्ट इन हाई पास फिल्टर माइक्रोफोन के अंदर है। ऊपर का जो बड़ा बटन है वो आपकी गेन सेटिंग्स हैं। यहाँ पे 3-स्टेप गेन लेवल्स हैं, -10 dB, +10 dB और 0 dB। अब इसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो आगे मैं वॉइस टेस्ट करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। बैटरी इसमें कुछ इस तरीके से इंस्टॉल होती है और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको बैटरी चेंज करनी हो तो काफी इजीली ये दो बटन्स को दबा के आप इसकी बैटरी को निकाल सकते हैं। बैटरी बैकअप की बात करूं तो आप इसको कंटिन्यूअसली भी अगर यूज करेंगे तो एक बैटरी पे आपको अप टू 80 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। ये माइक्रोफोन आपके मोबाइल फोन, DSLR या कैमकॉर्डर के साथ में इजीली कनेक्ट हो जाता है और अगर आपके कैमरा के ऊपर माउंट की जगह दे रखी है जो कि मैक्सिमम कैमरा में दे रखी होती है तो इसमें कोल्ड शू माउंट है, यानी कि इस माइक्रोफोन को आप इजीली अपने कैमरा के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हाई सेंसिटिविटी कंडेंसर कैप्सूल माइक्रोफोन है और इसके अगर पिकअप पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे सुपर कार्डियोइड पिकअप पैटर्न आपको मिलता है। विंडस्क्रीन को मैंने यहाँ से निकाल दिया है। इसका माइक का पैटर्न कुछ इस तरीके से है तो विंड स्क्रीन में प्रॉपर कटआउट दे रखा है, यानी कि विंड स्क्रीन इस पे जो है काफ़ी अच्छे से फिट हो जाती है, अपने आप नहीं गिरने वाली जब तक आप इसको खुद से रिमूव नहीं करेंगे। कोल्ड शू माउंट की मदद से कैमरा के ऊपर तो आप इसको इजीली इंस्टॉल कर ही सकते हैं और आजकल मोबाइल फ़ोन के जितने भी होल्डर्स आ रहे हैं उनमें भी ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इसको अब मैं अपने मोबाइल फ़ोन के साथ में इंस्टॉल करने वाला हूँ, मोबाइल फ़ोन पे इसको मैं कनेक्ट करने वाला हूँ और बस उसके लिए बाद ये रेडी टू यूज़ है। फिर मैं चाहूँ तो व्लॉगिंग करूँ या किसी का इंटरव्यू लूँ या फिर मैं अपना नेक्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो यहाँ पे शूट कर सकता हूँ, वॉइस साथ में रिकॉर्ड कर सकता हूँ अच्छी क्वालिटी में। फ़ोन के ऊपर माउंट तो कर लिया लेकिन फ़ोन में इसे कनेक्ट कैसे करना है इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान से देख लीजिए। DSLR पे तो आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन फ़ोन पे कनेक्ट करने के लिए इसके साथ में जो अडैप्टर दे रखा है उसका यूज़ आपको करना होगा। अडैप्टर में दो होल्स हैं, एक में तो आपका माइक्रोफोन लगेगा और एक में आप अपने नॉर्मल हेडफोन्स या एयरफोन्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का स्प्लिटर अडाप्टर है। आपका 3.5 mm वाला जो पोर्ट है फोन में वो ऑक्यूपाई हो जाएगा, माइक्रोफोन आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, साथ ही में अपने हेडफोन्स या एयरफोन्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। इससे फायदा यह है कि आप कोई क्लास लेना चाहते हैं या ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं तो अच्छी क्वालिटी में आप ऑडियो को आउटपुट डिलीवर कर पाएंगे और सुनने के लिए आप स्प्लिटर की मदद से कोई भी अपने एयरफोन्स या हेडफोन्स लगा सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है इसका, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में अगर आप उसका ऑडियो सुनना चाहते हैं माइक्रोफोन की तार को फोन से निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपने जो स्प्लिटर में अपने हेडफोन्स या एयरफोन्स कनेक्ट किए हैं आप डायरेक्टली उसका आउटपुट साउंड कानों में सुन सकते हैं। अब मैं आपको इसका सैंपल सुनाऊंगा और सैंपल सुनाने से पहले मैं आपको इसकी गेन सेटिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। +10 dB जो होता है मोस्ट सेंसिटिव होता है, -10 dB जो होता है वो लीस्ट सेंसिटिव होता है और पर्सनल वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मैं -10 dB पे जो है इसकी सेटिंग रखता हूँ। अब आप आगे सुनेंगे इसका सैंपल। तो अगर आप इसके गेन को -10 dB पे रखोगे तो आपको इस तरह का साउंड आउटपुट मिलेगा। अब ये जो जितनी भी रिकॉर्डिंग हो रही है इसी माइक्रोफोन से हो रही है और इस समय गेन की सेटिंग है -10 dB पे। अब क्योंकि इसमें सुपर कार्डियोइड पिकअप पैटर्न है तो जितनी भी वॉइस ये रिकॉर्ड करेगा वो फ्रंट से करेगा, इधर से या बैक साइड से ये किसी भी वॉइस को रिकॉर्ड नहीं करेगा।
और इससे ये फायदा होता है कि बैकग्राउंड नॉइज जो है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है। अब जो आप सैंपल सुन रहे हो ये 0 dB का है, 0 dB पे इसकी जो वॉइस है उसको ये थोड़ा सा एम्पलीफाई भी कर देता है। अब मैंने इसका गेन बढ़ा के +10 dB पे कर दिया है, और ये +10 dB आपके उन सिनेरियो में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है जब कोई न्यूज़ गैदरिंग आप करते हो या किसी का इंटरव्यू लेते हो, तो एक अच्छे डिस्टेंस से भी आप एक बढ़िया साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये सैंपल आप सुन रहे हो +10 dB पे। तीनों गेन सेटिंग्स का सैंपल आपने सुन लिया है। इसके अलावा इसमें जो बिल्ट इन हाई पास फिल्टर है उसके लिए डेडिकेटेड बटन दे रखा है। अब हाई पास फिल्टर जो है वो हाई फ्रिक्वेंसीज को पास करता है और लो फ्रिक्वेंसीज को ब्लॉक करता है। काफ़ी सारे सिनेरियो में ये हाई पास फिल्टर को आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप 200 Hz से नीचे की नॉइस को ईजिली कट डाउन कर सकते हैं। अब इसमें सुपर कार्डियोइड पिकअप पैटर्न है जिसकी मदद से ये फायदा होता है कि जब तक आप इसके सामने बात करेंगे तो ये आपकी ही आवाज़ को क्लियरली रिकॉर्ड करेगा, पीछे जो शोर शराबा आता है उसको ये इतना रिकॉर्ड नहीं करेगा। और अगर मैं -10 dB पे चुप भी हो जाऊं जहां मेरा AC भी चल रहा है और फैन भी चल रहा है एक नंबर पे, तो देखते हैं ये कितनी बैकग्राउंड नॉइस को कैप्चर करता है। इस माइक्रोफोन में इंटीग्रेटेड शॉक माउंट है। अब इससे ये फायदा है कि अगर आप बाहर मूव आउट करते हो, व्लॉग करते हो, तो कोई भी वाइब्रेशंस यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगी। इसका काम है ऑडियो को रिकॉर्ड करना, जितना भी ऑडियो इसके सामने से रिकॉर्ड होना चाहिए वो ये क्रिस्टल क्लियर कर लेता है। अब इसके अलावा आप व्लॉगिंग कर लो, वीडियोग्राफी करना चाहते हो, मेरी तरह अनबॉक्सिंग वीडियो शूट करना चाहते हो, या फिर आप कोई न्यूज़ गैदरिंग कर रहे हो या कोई इंटरव्यू ले रहे हो, ये माइक्रोफोन आपका हर सिनेरियो में काम आने वाला है। और क्योंकि इसमें बैटरी पड़ती है AA साइज़ वाली, तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि बार बार चार्ज करने का झंझट तो नहीं रहता, और इसके बैटरी जब लो हो जाएगी तो आपको एक लो बैटरी इंडिकेटर भी मिल जाएगा। अब इसके माइक्रोफोन को आप पर्सनल शूट के लिए अपनी तरफ रखें या दूसरी तरफ करना चाहें दूसरों की आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो कर सकते हैं। 3 gain level सेटिंग्स मैंने आपको बता दी है। दूर की आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए भी आप गेन को बढ़ा सकते हैं, पर्सनल आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए गेन को आप घटा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये माइक्रोफोन? इस माइक्रोफोन को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और वहीं पे आपको इसका प्राइस भी मेंशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में कुछ और नए गैजेट्स के साथ में।